आपकी बेहद फरमाइश पर हमारे साथ हैं जुनून की हद तक टीवी देखने के शौक में मुब्तला जनाब नाजिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम भाई, दारू जरा ठीक करवा दो। क्यों? बंद टीवी देखने के शौकीन का। जितनी लोड शेडिंग होती है टीवी तो अब ज्यादा बंद ही दिखता है। तो आप बंद टीवी के सामने भी बैठे रहते हैं? यार अब टीवी देखने का शौकीन जो हूँ तो उठता नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ बंद टीवी के सामने। क्या पता किस वक्त किस्मत यावी कर जाए और बिजली आ जाए, और ये ना हो कि उठ के कहीं इधर उधर जाऊं तो प्रोग्राम ही मिस हो जाए। मैं क्या बताऊं तुम्हें जुनैद मियां, जब से ये लोड शेडिंग शुरू हुई है ना, मेरी तो यूनिफॉर्म ढीली हो गई है। यूनिफॉर्म क्या मतलब? ये यूनिफॉर्म है ना मेरी टीवी देखने की। अच्छा। यकीन मानो 3-4 इंच कवर कम हो गई है। अच्छा। भाई जो प्रोग्राम अच्छा लग रहा होता है जो ही लाइट जाती है साइकिल पकड़ के दौड़ता हूँ बड़े भाई के घर। अच्छा, बाकी प्रोग्राम थोड़ा सा उधर देखता हूँ। बिल्कुल सही। उधर से बिजली जाती है, साइकिल निकालता हूँ, दौड़ता हूँ सिस्टर की तरफ। अच्छा। बैंकर ड्रामा देख रहा होता हूँ, वहां से भी कुछ देर के बाद निकलना पड़ता है। क्यों? वहां भी बिजली चली जाती है? और लाइट जाए ना जाए, लाजमन किसी ना किसी ड्रामे में कोई ना कोई किरदार जरूर कह देता है भाई बहन के घर भाई कुत्ता, फिर वहां से नहीं निकलना पड़ता भाई। अच्छा जुनैद भैया ये बताओ, ये जो टीवी के अंदर बैठे होते हैं लोग, इनको ये कैसे पता चल जाता है कि टीवी के बाहर कौन कहाँ बैठा हुआ है? बताया आया होगा तो भाई हंस रहा है, तुम्हारा नाम कौन सा नाजिया बेगा जैसे दौरा पड़ जाता है हंसी का। अच्छा चलिए ये बताएं कि आजकल आप टीवी पे कौन सा प्रोग्राम शौक से देख रहे हैं? भाई वही देख रहा हूँ जो सारे मुल्क में नजर आ रहा है। क्या? अंधेरा। अच्छा अंधेरा उजाला? नहीं भाई सिर्फ अंधेरा है? टीवी में तो अंधेरा ही नजर आता है, उजाला देखने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। अब तो टीवी को ऊपर रख के या रोटी खा लेता हूँ या टीवी के अंदर देख के बाल बना लेता हूँ। और देखो कैसी बरकत है कि रिमोट के साथ ही बाल बना लेता हूँ। आजकल तो टीवी पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम चल रहा है, चिराग तले अंधेरा। लाइट गई होती है, टीवी के ऊपर मोमबत्ती रखी होती है, नीचे अंधेरा होता है। अब टीवी बीवी छोड़ो, अब तो ज्यादातर मैं बीवी की शक्ल देखता रहता हूँ, बीवी मेरी शक्ल देखती रहती है, ना उससे देखी जाती है ना मुझसे देखी जा रही है। क्यों? भाई एज का चक्कर है सारा। लो भाई एक तारीखी बात बता रहा हूँ, एक एज ऐसी होती है कि बंदा टीवी में से भी बीवी देख रहा होता है, और एक एज ऐसी होती है कि बंदा बीवी में से भी टीवी देख रहा होता है। ये क्या बात हुई? भाई यूं कह लो कि एक एज ऐसी होती है कि बंदा टीवी देख रहा होता है तो उसमें में से भी बीवी ढूंढ रहा होता है। हर हीरोइन देख के तो ये सोच रहा होता है कि ऐसी बीवी लाऊंगा। अच्छा। और फिर एक एज ऐसी आती है कि बंदा बीवी देख रहा होता है तो टीवी नजर आ रहा होता है। क्या मतलब? जलजला आ गया, गाड़ी दरख्त से लग गई, 3 मंजिला इमारत गिर गई, कोई अच्छा ख्याल नहीं आता जेल में। आया होगा भाई, आया होगा। ऐसी बातों पे हर मजलूम शोहर को मजा आता है। नहीं खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो आप कॉमेडी पर उतर आए। कॉमेडी मैं नहीं कर रहा भाई, कॉमेडी तो हुकूमत कर रही है आवाम के साथ। कॉमेडी से याद आया भाई, मुबारक हो आप लोगों को, वो सुना डॉक्टर यूनुस भट भी दुनिया पे आ गया। खैर मुबारक, शुक्र है यार, कई सालों से उम्मीद से था अब दुनिया पे आया। क्या नाम क्या रखा है? नाम अभी सोच रहे हैं भाई। जो भी नाम रखो, डॉक्टर यूनुस भट खुद बहुत बड़ा नाम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कई लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं ना, इस तरह डॉक्टर यूनुस भट के कलम से गुदगुदियां झड़ती हैं भाई। भाई ये तो ऐसा डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है, नुस्खा लिख के देता मरीज हंसना शुरू हो जाता है। ये तो दीवार के ऊपर कुछ लिख दे दीवार उछलना शुरू हो जाती है भाई। भाई ये तो ऐसा कमाल आदमी है, अपने कुर्बानी वाले बकरे के ऊपर अपने हाथ से ईद मुबारक लिखा, बकरा हंसना शुरू हो गया। कसाई तांग आके पूछने लग गया, अबे कौन सी फिल्म देख बैठा है। पता नहीं आएगा आएगा भाई, डॉक्टर यूनुस भट्ट आ गया, मजा आएगा। वो क्या शायर कहता है कि तेरे आंधे खड़ा बड़े होंगे, मजा तो माया होने होंगे। अच्छा मलिक साहब ज्यादा शौक से एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं? नहीं पहले सारे चैनल देखा करता था, स्पोर्ट्स चैनल भी, एनिमल चैनल भी, न्यूज चैनल भी, एंटरटेनमेंट चैनल भी। अब तो भाई सिर्फ न्यूज चैनल देख लेता हूँ, सब कुछ उसी में आ जाता है। अच्छा, अब तो न्यूज चैनल ही 5 in 1 हुआ हुआ। क्या मतलब? पहले मैं बड़े शौक से स्पोर्ट्स चैनल देखता था, उसमें वो WWF वाली कुश्तियां बड़े शौक से देखता। अच्छा, अब तो वो भी न्यूज चैनल पे नजर आ जाती। कैसे? कहीं भी कुछ 4 बंदों का जुलूस निकलता है, पुलिस वहां पहुंचती है तो WWF शुरू हो जाता है।
एनिमल चैनल पे मैं मासूम और निहत्ते जानवरों का शिकार देखा करता था, वो भी हम सब कुछ न्यूज में मिल जाता है। भाई हम न्यूज चैनल पे आए रोज बेचारे जानवरों की बजाय इंसानों का शिकार दिखा रहे होते हैं। क्या जरूरत है जानवरों का शिकार देखने की? रह गए एंटरटेनमेंट चैनल। न्यूज में जैसा फिल्मी खबरों का तड़का लगता है ना, भाई सारा एंटरटेनमेंट चैनल की कसर निकाल जाता है। बल्कि यकीन करो जुनैद भाई, घर में जो बच्चों के सोने के बाद गानों की सीडियां देखा करते थे ना, अब उसके टोटे भी न्यूज के पीछे चला देते हैं। पहले इलीगल तरीके से देखते थे, भाई अब लीगल तरीके से देख रहे हैं। अब तो भाभी तुम्हारी गुस्से भी नहीं हो सकती, साफ कह देते हैं, हम तो कह देते हैं, साफ कह देते हैं, भाई न्यूज देख रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? भाई पहले तो एकदम तुम्हारी भाभी ऊपर से आ जाती थी तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती थी। वो अगर गुस्से में कहती थी क्यों देख रहे हो ये, उसे कहना पड़ता था भाई इसलिए देख रहा हूँ करीना की शक्ल तुमसे मिलती है इसलिए देख रहा हूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यकीन करो जुनैद भाई, वो जो फिल्मी खबरें होती है ना, उसके पीछे अगर आवाज ना भी हो ना तो सारी समझ आ रही होती है कि भाई चल क्या रहा है। खबरें तो फजूल सी होती हैं। करीना को जुकाम हो गया, करीना की बकरी ने बच्चा दे दिया, करीना ने सलमान खान की तरफ हंस के देखा, पर खबर तो कोई इतनी अहम नहीं होती। मगर जो इन खबरों के ऊपर वीडियो चल रही होती है ना भाई, वो बड़ी फिक्र अंगेज होती है। यहाँ वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।